कैसे हैं? आपसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया कि 19 सितंबर को स्टोर कीपर का एग्ज़ाम होना है, तो उसी के रिगार्डिंग हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम 50% डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय। पहली भक्ति प्रथम भक्ति आंदोलन चलाया गया था रामानुजाचार्यों के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, ये थे बाल गंगाधर तिलक। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। फोर्थ क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस प्रिंसली स्टेट में चलाया गया था? फ्रेंड्स, इसका आएगा नन ऑफ दिस। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। सॉल्ट सत्याग्रह किस ईयर हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, जो कि उन्होंने सॉल्ट टैक्स ना देने के खिलाफ चलाया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। फ्रेंड्स, इसका आएगा नन ऑफ दिस। ये चलाया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। सेवन्थ क्वेश्चन है, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया। यंग इंडिया के एडिटर कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। विच इज़ नॉट मैंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द आर कॉन्स्टिट्यूशन, तो जस्टिस भी इसमें है, फ्रेटर्निटी भी है, इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी भी है, लेकिन जो आपका एडल्ट सफरेज है, वयस्क मत अधिकार, ये जो है ये प्रीएम्बल में नहीं आता है। चलिए फ्रेंड, नाइन क्वेश्चन की ओर। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। फंडामेंटल राइट्स को कौन सस्पेंड कर सकता है? तो ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। टेंथ क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा। इम्प्लीमेंटिंग लॉज इज़ द फंक्शन ऑफ। कानून लागू करने का कार्य है, तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका का। वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा, स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो ये मैक्सिमम रहती है फ्रेंड 250। डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में आते हैं? तो ये आते हैं फ्रेंड्स हाई कोर्ट के। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, तो ये फ्रेंड्स पंचायती राज से रिलेटेड है 73rd। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 74 जो अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है। 15 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज इज प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह की एमरजेंसी का प्रावधान किया गया है? तो ये फ्रेंड्स थ्री, फर्स्ट आती है 352 में, सेकंड 356, थर्ड 360। 352 में आपकी आपातकालीन एमरजेंसी लगती है, 356 में हमारी प्रेजिडेंट की एमरजेंसी लगती है, प्रेजिडेंट रूल भी जिसे कहते हैं, और 360 में आती है फ्रेंड्स फाइनेंशियल एमरजेंसी। और अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल एमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है, तो ये एक भी बार नहीं लगी है। व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड, तो नेशनल कमीशन जो माइनॉरिटी के लिए एस्टेब्लिश की गई थी वो हुई थी 1992 में। 17 क्वेश्चन है, द न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। लो टाइड्स होती है वीक। विच इज़ इंटरनेशनल डेड लाइन, इंटरनेशनल डेड लाइन होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। विच इज़ नॉट एन इग्नियस रॉक, तो ये तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें डोलोमाइट जो रहेगा वो इग्नियस रॉक नहीं है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, तो ये है फ्रेंड्स ब्राज़ील। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो टी है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, तो इसको हर साल जो अर्थ समिट होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है UNCET। तो 23rd क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम की मैक्सिमम पॉपुलेशन किस कंट्री में है? तो ये है इंडोनेशिया। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट, तो ये है फ्रेंड्स उड़ीसा में। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग, तो ये तो नाम से पता चल रहा है तवांग चाइना से रिलेटेड होगा, तो ये है चाइना का। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लाइज इन साउथ सतलुज वैली, तो इनमें से जो सतलुज वैली से रिलेटेड है वो है शिपकिला, जो कि किन्नौर में पड़ता है। बैडलैंड टोपोग्राफी इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ, बैडलैंड टोपोग्राफी किस करेक्टरिस्टिक है? तो ये है चंबल का, याद रखिएगा। लोनार लेक जो ये है, ये जो है महाराष्ट्र में पड़ती है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये है गोदावरी।
फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप एट तो ये हुआ था शिव समुद्रम में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, तो ये जो है तमिलनाडु है जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से आपका रेनफॉल रिसीव करता है। विच रीजन इज़ कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से जो है वो वेस्टर्न घाट गिरा हुआ है। विच इज़ नॉट अ रबी क्रॉप इन इंडिया, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वीट जौ और रेप सीड आपके रबी क्रॉप में आते हैं जबकि जूट आपका इसमें नहीं आता। वेयर इज़ इंडियाज मोस्ट प्राइज टी ग्रोन, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है दार्जिलिंग में ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ वहीं पर पाई जाती है। नामदापा नेशनल पार्क, तो ये है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। खेतरी इज़ फेमस फॉर कॉपर, तो ये फिर भी फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो याद रखिएगा जो खेतरी है वो कॉपर के लिए फेमस है। चलिए 37 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया, जिसको लाख बोलते हैं वो होता है फ्रेंड्स झारखंड में। सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकॉनमी डिपेंड ऑन, तो ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सप्लाई, जॉइंट सप्लाई जो डिपेंड जॉइंट सप्लाई में जो चलती है वो है इंक और फाउंटेन पेन। एन एक्सपेंडिचर दैट हैज़ बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड, तो ये फ्रेंड्स संक कॉस्ट मतलब डूबा जो डूब चुकी है जिसे हम रिकवर नहीं कर सकते। सेम प्राइस प्रिवेल्स थ्रू आउट द मार्केट अंडर, तो यह आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव फॉर द सर्विस ऑफ लेबर लैंड और कैपिटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, लेबर लैंड और कैपिटल को मिला के जो कंट्री की इनकम बनती है उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, सकल घरेलू आय। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और जितने भी अभी आगे एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोज आएगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय, तो ये है फ्रेंड्स नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स, नेशनल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। द मार्केट इन विच लोन्स ऑफ मनी कैन बी ऑब्टेन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं मनी मार्केट। ये तो ईजी है क्योंकि मनी से रिलेटेड तो मनी मार्केट ही होगा। एक्सपेंडिचर टैक्सेशन एंड लोन टेकिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेल टैक्स, सेल टैक्स जो एग्जाम्पल है वो है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अ कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अनफेवरेबल व्हेन, कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होता है जब इम्पोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय, तो ये होती है ग्रोथ रिंग से। 49 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स आर नोन एज, तो ये है फ्रेंड्स टॉक्सिन्स, यीस्ट इज एन फंगाई, तो यीस्ट होता है फंगाई। एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, तो ये होती है जिंजर। व्हाट इज़ फार्मिंग अलॉन्ग विद एनिमल हस्बेंड्री वर्ल्ड, तो ये होती है फिक्स्ड फार्मिंग। द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर, तो इसे बोलते हैं नदीमुख यानी एस्चुरी। विच इज़ एन एग लेइंग मैमल, तो ये है स्पाइनी एंड ईटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में आ सकता है। फाइबर डाइट इंक्लूड्स, तो ये होता है फ्रेंड्स सेलुलोज। अ मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एट, तो ये होता है ग्रीन। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लेड्स टू गोइटर, ये तो बहुत ईजी था। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी ऑफ ह्यूमन इज 90 डेज। इन मैमल लार्जेस्ट ग्लैंड इज, तो ये तो लीवर है। द हाइब्रिड बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी इज कॉल्ड, तो हाइब्रिड तो ये होती है म्यूल। डेंगू इज स्प्रेड बाय मस्किटो। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, तो ये है फ्रेंड हमिंग बर्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो ये होती है फ्रेंड्स वाटर की। डायरेक्शन हीट फ्लो डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। विच इज़ यूज टू स्प्लिट वाइट लाइट टू डिफरेंट कलर, तो इसे प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। विच डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड, तो ये फ्रीक्वेंसी के द्वारा होती है। इन क्रीम इफ़ क्रीम इज़ रिमूव फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी, तो ये इंक्रीज होगी। विच एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो ये एल्यूमिनियम है। द मेटल चीफली यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, इसको बोलते हैं जिंक। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप टच विद आवर चैनल टू सी मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू फ्रेंड्स।